भारत माता और हिसाली वाली मैया को मेरा प्रणाम। पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। श्री वाल्मीकि कृत रामायण एक धार्मिक ऐतिहासिक महाकाव्य में मैं अयोध्या कांड का भक्ति भाव से पठन करती हूँ। निवेदन है कि आप भी श्रद्धा भाव से इसका श्रवण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम। 38वां सर्ग। राजा दशरथ का सीता को वल्कल धारण कराना अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारना और श्री राम का उनसे कौसल्या पर कृपा दृष्टि रखने के लिए अनुरोध करना। सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। वहां होने वाले उस कोलाहल से दुखी हो इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी सीता कुश चीर वल्कल वस्त्र पहनकर वन में जाने के योग्य नहीं है। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी का भी कुछ बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किम कर्तव्य विमूढ़ भिक्षुकी के समान चीर धारण करके खड़ी है। जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र उतार डाले, यह इस रूप में बन जाए ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और ना किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्रालंकारों से संपन्न हो सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूं। मैंने तेरे वचनों में बंधकर एक तो यूं ही नियम शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है, दूसरे तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है। नीच पापिनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तू वनवास दे ही चुकी। विदेह नंदिनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला है। जिसके नेत्र हरिणी के नेत्रों के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है, वह मनस्विनी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। पापिनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया है। अब सीता को भी वन में भेजने और वल्कल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके
फिर तू इतने पातक किस लिए बटोर रही है? देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे, उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी वल्कल वस्त्र पहने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है तुझे नरक में ही जाने की इच्छा हो रही है। राजा दशरथ सिर नीचा किए बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा, धर्मात्मन, ये मेरी यशस्विनी माता कौसल्या अब वृद्ध हो चली हैं। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। देव, यह कभी आपकी निंदा नहीं करती हैं। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगी। अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। आप पूज्यतम पति से सम्मानित हो, जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सके और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करें, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज ये निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगी। कहीं ऐसा ना हो मेरे वन में रहते समय ये शोक से कातर हो अपने प्राणों को त्याग करके यमलोक को चली जाए। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसी ही परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश न रह जाए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। 39वां सर्ग। राजा दशरथ का विलाप। उनकी आज्ञा से सुमंत्र का राम के लिए रथ जोत कर लाना। कोषाध्यक्ष का सीता को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना। कौसल्या का सीता को पति सेवा का उपदेश। सीता के द्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्री राम का अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी विदा मांगना। श्री राम की बात सुनकर और उन्हें मुनि वेश धारण किए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर भर आंख देख भी ना सके और देख कर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर ना दे सके। दो घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें होश हुआ, तब वे महाबाहु नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत सी गौओं को उनके बछड़ों से बिछोह कराया है अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा की है, इसी से आज मेरे ऊपर यह संकट आ पड़ा है। समय पूरा हुए बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकई के द्वारा इतना क्लेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। ओह, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए सामने खड़ा देख रहा हूँ, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। इस वरदान रूप शठता का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगी हुई एकमात्र कैकई के कारण ये सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों में आंसू भर आए, उनकी इंद्रियां शिथिल हो गईं और वे एक ही बार हे राम कहकर मूर्छित हो गए, आगे कुछ न बोल सके। दो घड़ी बाद होश में आते ही
वे महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले, तुम सवारी के योग्य एक रथ को उसमें उत्तम घोड़े जोत कर यहाँ ले आओ और इन महाभाग श्री राम को उस पर बिठा कर इस जनपद से बाहर तक पहुँचा आओ। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता ही जब घर से निकाल कर वन में भेज रहे हैं, तब ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र में गुणवान पुरुषों के गुणों का यही फल बताया जाता है। राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़ों से सुशोभित रथ जोत कर ले आए। फिर सूत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राजकुमार श्रीराम के लिए उत्तम घोड़ों से जुता हुआ सुवर्ण भूषित रथ तैयार है। तब देश और काल को समझने वाले सब ओर से शुद्ध इहलोक और परलोक से उऋण राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह निश्चित बात कही, तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हो गिनकर शीघ्र ले आओ। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में जा वहां से सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीता को समर्पित कर दी। उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवास के लिए प्रस्थित विदेह कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया। उन आभूषणों से विभूषित हुई विदेह नंदिनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातः काल उगते हुए अंशुमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। उस समय सास कौसल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को सूंघ कर कहा, बेटी, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती हैं, वे इस संपूर्ण जगत में असती दुष्टा के नाम से पुकारी जाती हैं। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तब उस पर दोषारोपण करती और उसका साथ छोड़ देती हैं। जो झूठ बोलने वाली विकृत चेष्टा करने वाली दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली उल्टा पाप के ही मंसूबे बांधने वाली और छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली हैं, वे सब की सब असती या दुष्टा कही गई हैं। उत्तम कुल किया हुआ उपकार विद्या भूषण आदि का दान और संग्रह पति के द्वारा स्नेह पूर्वक अपनाया जाना यह सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय को नहीं वश में कर पाता है, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। इसके विपरीत जो सत्य सदाचार शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे लिए देवता के तुल्य हैं। सास के धर्म और अर्थ युक्त वचनों का तात्पर्य भली भांति समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, आर्य, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए यह मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैंने पहले से ही सुन रखा है। पूजनीय माता जी, आपको मुझे असती स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए,
क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती और बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। पिता, भ्राता और पुत्र ये परिमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख का दाता है। उसकी सेवा से इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी? आर्य, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों माता आदि के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पातिव्रत्य का महत्व जानकर भी मैं पति का क्यों अपमान करूंगी? मैं जानती हूं कि पति ही स्त्री का देवता है। सीता का यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाली देवी कौसल्या के नेत्रों से सहसा दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौसल्या की ओर देख हाथ जोड़कर कहा, माँ, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है, ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर न देखना। वनवास की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ये 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते निकल जाएंगे। फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने सुहृदों से घिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ आ पहुंचा हूं। माता से इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर दशरथ नंदन श्री राम ने अपनी अन्य 350 माताओं की ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौसल्या की ही भांति शोकाकुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सबसे यह धर्म युक्त बात कही, माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिए हों अथवा अनजान में भी मुझसे जो अपराध बन गए हों उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूँ। राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों ने श्री रघुनाथ जी का यह समाधानकारी धर्म युक्त वचन सुना। सुनकर उन सब का चित्त शोक से व्याकुल हो गया। श्री राम के ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुररियों के समान विलाप करने लगीं। उनका वह आर्तनाद उस राजभवन में सब ओर गूंज उठा। राजा दशरथ का जो भवन पहले मुरज, पणव और मेघ आदि वाद्यों के गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वही विलाप और रोदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर अत्यंत दुखमय प्रतीत होने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। 40वां सर्ग सीता, राम और लक्ष्मण का दशरथ की परिक्रमा करके कौसल्या आदि को प्रणाम करना, सुमित्रा का लक्ष्मण को उपदेश, सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण का रथ में बैठकर वन की ओर प्रस्थान, पुरवासियों तथा रानियों सहित महाराज दशरथ की शोकाकुल अवस्था। तदनंतर राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। उनसे विदा लेकर सीता सहित धर्मज्ञ रघुनाथ जी ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल हो उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी पहले माता कौसल्या को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्रा के भी दोनों पैर पकड़े। अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते देख
उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स, तुम अपने सुहृद श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद न करना। ये संकट में हो या समृद्धि में, ये ही तुम्हारी परम गति है। निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहें। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित एवं सनातन आचार है। अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार रखने वाली सर्वप्रिय श्री रामचंद्र जी से कहा, बेटा जाओ जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इसके बाद वे लक्ष्मण से फिर बोली, बेटा तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो, जनक नंदिनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को ही अयोध्या जानो। अब सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। इसके बाद जैसे मातली इंद्र से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार विनय के ज्ञाता सुमंत्र ने ककुत्स कुल भूषण श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महायशस्वी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए, आप मुझसे जहां कहेंगे वहीं मैं शीघ्र आपको पहुंचा दूंगा। आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है उनकी गणना आज से ही आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। तब सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्न चित्त से उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके श्वशुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उसके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण दिए थे। इसी प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए जो बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए थे, उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़े से मढ़ी हुई पिटारी और खंती या कुदारी भी उसी पर रख दी। इसके बाद दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्ण भूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए। जिनमें सीता की संख्या 3री थी, उन श्री राम आदि को रथ पर आरूढ़ हुआ देख सारथी सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। उसमें जुते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हांका। जब श्री रामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर जाने लगे, उस समय समस्त पुरवासियों, सैनिकों तथा दर्शक रूप में आए हुए बाहरी लोगों को भी मूर्छा आ गई। उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मतवाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिनहिनाने एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज सब ओर गूंजने लगी। अयोध्यापुरी के आबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के ही पीछे दौड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भागे जाते हों। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और अगल बगल में लटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे सब के सब उच्च स्वर से कहने लगे, सूत, घोड़ों की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो, हम श्री राम का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की माता का हृदय लोहे का बना हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तभी तो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय फट नहीं जाता है। विदेह नंदिनी सीता कृतार्थ हो गई।
क्योंकि वे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चली जा रही हैं। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती हैं जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती है। अहो लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देव तुल्य भाई की वन में सेवा करोगे। तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है, तुम्हारा ये महान अभ्युदय है और तुम्हारे लिए यह स्वर्ग का मार्ग मिल गया है, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। ऐसी बातें कहते हुए वे पुरवासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं का वेग न सह सके। वे लोग सबके प्रेम पात्र इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उसी समय दयनीय दशा को प्राप्त हुई। अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर, मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा, ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना। वह वैसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी यूथ पति के बांध लिए जाने पर हथनियों का चीत्कार सुनाई देता है। उस समय श्री राम के पिता ककुत्स वंशी श्रीमान राजा दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर पूर्ण चंद्रमा श्रीहीन प्रतीत होते हैं। यह देख अचिंत स्वरूप दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम ने सुमंत्र को प्रेरित करते हुए कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए। एक ओर श्री रामचंद्र जी सारथी से रथ हांकने के लिए कहते थे और दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता था। इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत्र उस मार्ग पर दोनों में से कुछ न कर सके, न तो रथ को आगे बढ़ा सके और न सर्वथा रोक ही सके। महाबाहु श्री राम के नगर से निकलते समय पुरवासियों के नेत्रों से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भीग कर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते करते अचेत से हो गए। नारियों के नेत्रों से उसी तरह खेद जनित अश्रु झर रहे थे जैसे मछलियों के उछलने से हिले हुए कमलों द्वारा जल कणों की वर्षा होने लगती है। श्रीमान राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरी के लोगों को एक सा व्याकुल चित्त देखकर अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। उस समय राजा को अत्यंत दुख में मग्न हो कष्ट पाते देख श्री राम के पीछे जाते हुए मनुष्यों का पुनः महान कोलाहल प्रकट हुआ। अंतःपुर की रानियों के सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते देख कोई हा राम कहकर और कोई हा राम माता की पुकार मचाकर करुण क्रंदन करने लगे। उस समय श्री रामचंद्र जी ने पीछे घूम कर देखा तो उन्हें विषाद ग्रस्त तथा भ्रांत चित्त पिता राजा दशरथ और दुख में डूबी हुई माता कौसल्या दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए। जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़े का बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी माता की ओर स्पष्ट रूप से न देख सके। जो सवारी पर चलने योग्य, दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने के ही योग्य थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देख श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रथ हांकने के लिए प्रेरित किया। जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्ट को नहीं सहन कर पाता है, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम के लिए माता पिता को इस दुखद अवस्था में देखना असह्य हो गया। जैसे बंधे हुए बछड़े वाली सवत्सा गौ शाम को घर की ओर लौटते समय बछड़े के स्नेह से दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार श्री राम की माता कौसल्या उनकी ओर दौड़ी आ रही थी। हा राम,
हा राम हा सीते हा लक्ष्मण की रट लगाती और रोती हुई कौसल्या उस रथ के पीछे दौड़ रही थी। वे श्री राम लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थी एवं इधर उधर नाचती चक्कर लगाती सी डोल रही थी। इस अवस्था में माता कौसल्या को श्री रामचंद्र जी ने बारंबार देखा। राजा दशरथ चिल्लाकर कहते थे, सुमंत्र ठहरो, किंतु श्री रामचंद्र जी कहते थे, आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए। उन दो प्रकार के आदेशों में पड़े हुए बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य का सा हो रहा था। उस समय श्रीराम ने सुमंत्र से कहा, यहां अधिक विलंब करना मेरे और पिताजी के लिए दुख ही नहीं महान दुख का कारण होगा, इसलिए रथ आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज उलाहना दें तो कह दीजिएगा मैंने आपकी बात नहीं सुनी। अंत में श्री राम के ही आदेश का पालन करते हुए सारथी ने पीछे से आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और स्वतः चलते हुए घोड़ों को भी तीव्र गति से चलने के लिए हांका। राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्री राम के परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, मन से नहीं लौटे, क्योंकि वह उनके रथ की अपेक्षा भी तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्यों का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों से ही नहीं लौटा, वे सब लोग श्री राम के पीछे पीछे दौड़े चले गए। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाए कि वह पुनः शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था, वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की उपर्युक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गए और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। दशरथ